हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मेरे पास फ्री फायर स्पोर्ट रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। और गाइज ऐसे ही स्पोर्ट कम्युनिटी में अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइज अगर तुम लोग मेरी थोड़ी सी भी हेल्प करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी तुम लोग को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे DM में न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। इससे मेरा हेल्प हो जाएगा, मेरा टाइम भी बचेगा और मैं तुम लोग के लिए और भी ज़्यादा न्यूज़ कवर कर सकता हूँ एक ही वीडियो में। और कुछ भाई लोग मेरे अगले वाले न्यूज़ वीडियो में बोल रहे थे कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा क्लिक बेट कर दिया, तो भाई लोग मैं बता दूँ ये क्लिक बेट नहीं है, मतलब मेहुल का और टीजी रोहित का बूट कैंप वाला, ये दोनों क्लिक बेट नहीं थे। तो मैं बस वीडियो में ये दोनों चीज़ें कवर करना भूल गया, एक था स्क्रीनशॉट और एक था वीडियो क्लिप, ये दोनों चीज़ें गलती से मैंने कवर नहीं किया। और क्यों मैं बताता हूँ, और गाइज मेरा ये गलती इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले से थंबनेल बना के रखा था और वीडियो में ये दोनों चीज़ें कवर करना भूल गया। तो इसी चीज़ के लिए गाइज आई एम वेरी वेरी सॉरी और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं कुछ टूर्नामेंट रिजल्ट्स के बारे में। तो आज का पहला रिजल्ट है सर्वाइवर स्टोन सीजन 1 टूर्नामेंट के ओवरऑल स्टैंडिंग। तो ग्रैंड फाइनल के डे 1 ओवरऑल स्टैंडिंग में टेबल टॉप किया केमिनी स्पोर्ट ने 78 स्कोर के साथ, और सेकंड है यूजी एम्पायर 68 स्कोर के साथ, और थर्ड आई टीम इनसेन स्पोर्ट 62 स्कोर के साथ। तो इसी टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल के डे 1 टॉप 3 फिगर्स है, पहले है राधे ठाकुर, सेकंड है विजार्ड और थर्ड है यूजी K4 सांड। तो हमारा अगला रिजल्ट निकल कर आता है विलेजर स्पोर्ट प्रो इन्विटेशन टूर्नामेंट का, जिसमें ग्रैंड फाइनल के डे 3 में टेबल टॉप के केमिन स्पोर्ट ने 214 स्कोर के साथ, और सेकंड है गॉडलाइक स्पोर्ट 212 स्कोर के साथ, और थर्ड आई PBS गेमिंग स्पोर्ट 189 स्कोर के साथ। तो अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में, और आज की पहले न्यूज़ है मेहुल की तरफ से। तो भाई लोग तुम लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि तुझे कैसे पता कि मेहुल सिक्सर्स में ज्वाइन होने वाला है, तो मैं मेहुल के लाइव स्ट्रीम का एक छोटा सा पार्ट तुम लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ। अभी हमारे पास है आतंकवादी ऑलरेडी, तो हम क्यों मचे। हमने इम्पोर्टेड आतंकवादी लाए हम कोलकाता से। गाइस हेड वेड मार देता हूँ रेड डॉट पे ही। चलो चलो चलो, अरे हेड दिया इसको, बॉडी कैसे आया। अभी तुम लोग मुझे पूछ रहे हो कि भाई तुझे कैसे पता चला, तो पहली बात तो उसने आतंकवादी की बात की, और दूसरी बात कोलकाता। तो बता दूं कि फैविंद्र भाई कोलकाता से बिलोंग करते हैं, और आतंकवादी ये तुम लोग ये वीडियो पूरा देखने के बाद फैविंद्र का जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ना, ये वीडियो जाके देख लेना, उसके बाद आतंकवादी का मतलब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो आज का अगला न्यूज़ है टीजी रोहित की तरफ से। तो टीजी रोहित को जब इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने पूछा कि भाई अपना नेट सही करो कभी भी चला जाता है, तो इसके ऊपर टीजी रोहित ने रिप्लाई दिया हाँ जा रहा हूँ बूट कैंप में। और यहाँ पे टीजी रोहित ने कोई भी लॉल इमोजी नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि टीजी रोहित कन्फर्म है कि बूट कैंप में जाने वाले हैं, और क्या पता टीजी रोहित शायद मजाक कर रहा है। तो टीजी रोहित के रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज़ मिलता है तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, लेकिन उसके लिए एक चीज़ तो करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूज़ नहीं मिलेगा। तो देखा गया जो भी मुझे कमेंट में बोल रहे थे, दिल को मिल गई तसल्ली, मैं इतना भयंकर लेवल का क्लिक बेट नहीं करता। तो आज की अगली न्यूज़ है पहाड़ी गेमिंग की तरफ से। तो पहाड़ी गेमिंग जब अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो पीसी का जो मैच मेकिंग अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके ऊपर ही पहाड़ी गेमिंग ने अपना रिएक्शन दिया। तो पहाड़ी गेमिंग ने क्या कहा इससे छोटा सा क्लिप देख लो। चलो अब एक चीज की मेरे को खुशी है कि एटलीस्ट अब ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स के पास कंटेंट की कमी नहीं है, लाइक स्ट्रीम कर सकता है कोई भी, बिकॉज माइक ओपन का सिस्टम आ चुका है, ये चीज बहुत अच्छी करी। बट थोड़ा वो भी करना चाहिए, लाइक जैसे पीसी का कुछ दिक्कत चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पीसी वालों का सिर्फ पीसी वालों के साथ ही लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। पीसी वालों का फोन वाले के साथ भी लगना चाहिए, अगर फोन वाला पीसी वाले के साथ खेल रहा है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, एंड कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, मैच मेकिंग भी अच्छी होगी। अगर घरे ना ऐसा कर दे, लाइक एक पीसी प्लेयर है ठीक है, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ ठीक है, तो वो पीसी प्लेयर एमुलेटर एंड मैं मोबाइल प्लेयर, एंड अब जो मैच मेकिंग लगेगी ना उसमें मोबाइल प्लेयर भी आ सकते हैं एंड पीसी प्लेयर भी आ सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ मैच मेकिंग होगी। अगर पीसी प्लेयर अकेला खेलेगा तो वो पीसी प्लेयर्स के साथ जाए, लेकिन अगर पीसी प्लेयर मोबाइल प्लेयर के साथ खेल रहा है तो वो मोबाइल प्लेयर्स भी आए, एंड मतलब लाइक जो मिक्स लॉबी होती है ना वैसी आए। तो इस मैच मेकिंग के ऊपर तुम लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना, और पूरा लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। तो गाइस हमारे अगली न्यूज है ब्लैक बियर्ड की तरफ से। तो ब्लैक बियर्ड का लाइव स्ट्रीम में जब एक बंदे ने पूछा कि स्नैपड्रैगन का टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा, तो इसके ऊपर ब्लैक बियर्ड का क्या रिप्लाई था इसके एक छोटा सा पार्ट मैं तुम लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। बहुत मुश्किल है टीजी के लिए, अब कहीं भी नहीं जा सकती, पीछे जाएगी तो TSM FTX है, आगे और टीम है कोई भी, कॉलकॉम सीजन वाई सीजन 3 क्या तो फरवरी फरवरी तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे लगता है
ओके मैम। और गाइज ब्लैक बेल्ट का पूरा लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। तो गाइज हमारे अगली न्यूज है स्काईलॉट की तरफ। तो परसों को स्काईलॉट ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला, पहले तो लिखा है स्ट्राइक और नीचे लिखा है विदाउट परमिशन रिएक्शन के नाम पर जितनों ने भी वीडियो कॉपी किया है सबको सुबह तक कॉपीराइट नोटिस मिल जाएगा। और उसी के थोड़ी देर बाद फिर से स्काईलॉट ने और एक स्टोरी डाला जहाँ पे लिखा है, और सेकंड स्टोरी पे लिखा है कि अच्छा नहीं देता स्ट्राइक, लेकिन अगर वीडियो कॉपी किया है तो प्रॉपर क्रेडिट दिया करो। तो हमारा अगला न्यूज है रॉकी भाई की तरफ से। तो कुछ बंदे रॉकी भाई के लाइव स्ट्रीम में रॉकी भाई को बोलते हैं कि तुम सिर्फ फेमस टीम का ही तारीफ करते हो, तो इसी चीज को रिप्लाई देते हो रॉकी भाई ने अपने लाइव स्ट्रीम में क्या कहा, मैं इसके एक छोटा सा पार्ट तुम लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। रॉकी भाई थंबनेल पे आप ही हो ना जी, थंबनेल पे मैं ही हूँ ब्रो। एंड गाइस प्लीज मेरे को हेटरेट देके कोई मतलब नहीं, मुझे इक्का दुक्का खिलाड़ी बोलते हो ना आप। भाई देखो जो बुया करेगा मैं तो उसकी तारीफ करूंगा, मेरे कोई चाची मामा के तो रिश्तेदारी है नहीं, ठीक है। अंडरडॉग टीम करे चाहे प्रो, मेरे को क्या पैसे मिलने वाले हैं क्या, उल्टा मेरे को पैसा देना है, उल्टा मेरे को पैसा देना है प्राइस पूल का भाई, उल्टा प्राइस पूल का पैसा देना है, लेना नहीं है जो मैं किसी की तारीफ ज्यादा या कम कर दूं मेरे भाई। असली लॉजिक तो वही है, स्टॉकर रुझान सुप्रीम एंड चीबो। मैं तो अभी भी बोलता हूं हर कोई जो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं मैं मुंह पे बोल रहा हूं कि जो काम मैं करता हूँ उसका 30% काम करो ना, 30% कर दो, ऑडियंस का अंडरडॉग टूर्नामेंट करा दो, ठीक है, ऑडियंस की कोई शिकायत ना हो करा दो ना यार, कि क्यों ये क्रिटिसिज्म यार, एक हद तक सही लगता है, फिर उसके बाद लगता है कि जैसे मजा आ रहा है आपको किसी को कष्ट देने में। मैं वही कहता हूँ भाई कि ये जो पब्लिक फालतू में बोलती है ना, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा जितना मैं करता हूँ उसका 30% कर दे, कोई ज्यादा 30% हमारी कम्युनिटी में आपको पता है रावण भाई, बड़े से बड़ा यूट्यूबर एक दूसरे लड़ रहा होता है, उसने मेरा कंटेंट चोरी कर लिया, ठीक है, उसने मेरा ये चोरी कर लिया, थंबनेल कॉपी कर लिया, ये वो। मैं बोल रहा हूँ आप टूर्नामेंट करवाइए, टीमों का रजिस्ट्रेशन ना हो मेरे को बोलो, मैं करवा देता हूँ रजिस्ट्रेशन, मुझे सुपर चैट भी मत दो, सुनी नहीं रहे। ऑडियंस आके मुझे बोल रही है रॉकी भाई अंडरडॉग का टूर्नामेंट कब होगा, तो ये क्या मेरे फूफी के लड़के खेल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस तुम लोगों को क्या लगता है रॉकी भाई किसी फेमस टीम की तारीफ करते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना, और पूरा लाइव स्ट्रीम देखना है तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। तो गाइज हमारा अगला न्यूज है टीएसएम एफटीएक्स की तरफ से। तो टीएसएम एफटीएक्स से जब से फैबिंद्र भाई अलग हुए हैं तब से कोई भी टीएसएम एफटीएक्स का ऑफिशियल लाइनअप अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मतलब कौन कौन से नए बंदे आने वाले, कौन कौन से नए बंदे आएंगे, कुछ भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो टीएसएम वाले अनाउंसमेंट नहीं कर रहे तो क्या हुआ, हम लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे। तो बहुत दिनों से टीएसएम एफटीएक्स में कौशिक मलिक खेल रहे हैं और एजी इनसेन खेल रहे हैं, और गाइज कॉमन सी बात है कोई ऐसे वैसे प्लेयर के साथ थोड़ी ना प्रैक्टिस करेंगे टूर्नामेंट, जरूर ये दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम में लेने वाले, मतलब टीएसएम में लेने वाले, इसीलिए इनके साथ खेल रहे हैं। और मैं तुम लोग को एक चीज क्लियर कर दूं, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी टीएसएम के न्यू मेंबर्स के रिगार्डिंग मुझे कोई भी न्यूज मिलता है तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो हमारा अगला न्यूज है पारी गेमिंग की तरफ से। तो एक बंदे ने जब पारी गेमिंग को लाइव स्ट्रीम में पूछा कि तुम लोग न्यू बूट कैंप कब जाने वाला, तो उसके ऊपर पारी गेमिंग ने क्या रिप्लाई दिया, इसके एक छोटे स्पॉट मैं तुम लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। न्यू बूट कैंप कब जाओगे, न्यू बूट कैंप गाइस यार शायद जनवरी, पता नहीं कब जाएंगे, जाएंगे भी नहीं, जाएंगे ये भी नहीं पता। कैंसल हो गया भाई, और अगर तुम लोग को पूरा लाइव स्ट्रीम देखना है तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। तो आज का न्यूज़ बस इतना ही था, और भाई लोग अगर तुम लोग मुझे न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे न्यूज़ सबमिट कर सकते हो, और मैं शाउटआउट भी दूंगा, और सब वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम लोगों को, तो देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। और जब तक कोई नया वीडियो नहीं था स्क्रीन पे जो दोनों वीडियोस दिखाई दे रहे हो दोनों वीडियोस देख सकते हो। बाय।